सब लोग पीछे हैं, देख रहे हो सब लोग आ रहे हैं। बोलो माँ के बिहारी लाल की जय, बोलो राधा रानी की जय। हम जा रहे हैं भगवान टॉकीज के पास, हमें जो मथुरा देवी बस मिलेगी वो मिलेगी भगवान टॉकीज। तो अभी हम लोग भगवान टॉकीज जाएंगे, फिर वहाँ से हम लोग बस लेंगे, फिर बस से हम लोग मथुरा जाएंगे एंड मथुरा से फिर हम जाएंगे वृंदावन। तो पहले हम मथुरा जाएंगे फिर वृंदावन जाएंगे। यही वाला बस है जो वृंदावन के लिए जाएगा। मुझे बस में वेट करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है किसी और बस का, आप देख सकते हो। टाइम देख लो कितने बजे हम लोग पहुंचे और कितने बजे हम लोग बैठे थे बस में। इतना ज्यादा वॉक करना पड़ेगा अभी यहाँ से 4 किलोमीटर। हम लोग कोई रिक्शा भी ले सकते हैं। पेंटिंग देखो, देखिए पेंटिंग राधा कृष्ण का, मतलब कृष्ण भगवान की नगरी में। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। अगर आप वृंदावन की शेयर करना चाहते हो तो मेरे इस पूरे वीडियो में बने रहना क्योंकि मैं आपको अपनी वीडियो के थ्रू वृंदावन दिखाने वाली हूँ। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो वृंदावन आने चाहते होंगे और मेरे बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो आ चुके होंगे, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है जो कृष्ण भगवान के भक्त हैं जैसे कि मैं। अभी हम लोग प्रेम मंदिर के पास जा रहे हैं ना, यस प्रेम मंदिर। उसके बाद हम जाएंगे बांके बिहारी। तो अभी हम लोग प्रेम मंदिर शाम को घूमेंगे। हाँ क्यों, शाम को ही क्यों? क्योंकि शाम को प्रेम मंदिर बहुत सुंदर लगता है, लाइटिंग वगैरह काफी अच्छी होती है वहाँ पे। अभी हम लोग नहीं जाएंगे, अभी हम लोग थोड़ा चेंज करेंगे, उसके बाद हम लोग मंदिर जाएंगे। 2000 years later. तो हम सभी चेंज करके तैयार होकर मंदिर के लिए निकल गए और मंदिर में पहुंच भी गए। काफी ज्यादा भीड़ थी, लाइन बहुत ज्यादा लगना। प्रेम मंदिर में अगर आप फैमिली के साथ जाते हो तो मैं आपको स्ट्रिक्टली बोलूंगी कि आप अपनी फैमिली के साथ ही रहना और हाथ पकड़ के रहना, क्योंकि अगर आप गुम हो जाओगे ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा आपको उनको ढूंढने में, कि नेटवर्क भी वहाँ काम नहीं करता। सच बताओ मंदिर में एंटर करते ही मुझे एक अलग सा सुकून वहाँ मिल रहा था, जैसे लग रहा था कि मैं कहाँ आ गई हूँ, ऐसी जगह मैं पहले क्यों नहीं आई। मन में शांति था और बहुत ज्यादा खुशी थी कि मैं बहुत ही जल्दी मंदिर के दर्शन करने वाली हूँ। प्रेम मंदिर रात में कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। हर कोने पे आपको कुछ ना कुछ श्री कृष्ण भगवान से रिलेटेड सारी झांकियां दिखेंगी। मंदिर जो है वो सेंटर में है, फ्रंट में, और हम लोग अभी मंदिर के अंदर एंटर करने, मंदिर के आसपास और इवन मंदिर के अंदर भी लोग पागल से हो गए थे कैमरा लेकर भगवान को शूट कर रहे हैं। ऐसा करना मुझे भी सही नहीं लग रहा था, तो मैंने पूरा टाइम मंदिर के अंदर दिया और कोई भी शूट नहीं किया क्योंकि मुझे उस मोमेंट को फील करना था और भगवान से ढेर सारी बातें करनी थी और ढेर सारा प्रे करना था। थोड़ी देर बाद फिर हम लोग मंदिर के बाहर बैठे थे, काफी टाइम तक लोग आसपास बैठे थे। मंदिर में एक अलग सा सुकून था जिसको मैं बता नहीं सकती मैं कैसा फील कर रही हूँ। लुक एट दिस क्राउड, प्रेम मंदिर के बाहर मैं खड़ी हूँ, आप ये क्राउड देख सकते हो कितने जन यहाँ पर है और यहाँ पे नॉन स्टॉप क्राउड रहता है, बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत ही ज़्यादा। और अंदर से मंदिर बहुत ही खूबसूरत है जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, आप देखना मेरे वीडियो में पूरा वॉच करना। बहुत ही अच्छा अलग सा सुकून है अभी यहाँ पे, मैं बता नहीं सकती, बहुत अच्छा सुकून है। आपको डेफिनेटली अगर आप वृंदावन आओ तो प्रेम मंदिर ज़रूर आना और बहुत अच्छा अलग सा सुकून आपको यहाँ मिलेगा। जब आप आओगे तो ये शाम के टाइम कुछ ऐसा दिखता है, अब मुझे जहाँ तक पता चला
शायद ही लोग आते हैं। और वहाँ पे आप देखोगे इस तरह कृष्ण भगवान का जितना भी बाल रूप था सारा, अभी मैं वहाँ भी जाकर आपको दिखाऊंगी क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सारे कह सकते हैं ना मेमोरीज को देखने के लिए, जो कृष्ण भगवान के मेमोरीज थे जब वो छोटे थे, जब लोग किताबों में वीडियोस में मूवीज में देखा करते हैं, कहानियों में सुना करते हैं। और ये सच ऐसा प्लेस है जहाँ पे सच में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, जन्मभूमि तो मथुरा है बट यहाँ पे वो रहते थे। आप देख सकते हो कितनी भीड़ है, ये गोवर्धन पर्वत है, दर्शन के बाद अब हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। मड़की मंदिर क्लोज होने वाला है तो हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं। हम लोगों ने जहाँ चप्पल उतारे थे वहाँ पे चप्पल है ही नहीं, अरे फेंकी नहीं है, सब अजवा पड़ी है, मिक्स हो गई है। आप ट्रस्ट नहीं करोगे, हम लोग का चप्पल गायब हो गया और हम लोगों को अपना चप्पल नहीं किसी और का चप्पल पहनना पड़ा क्योंकि कोई चॉइस नहीं था, सबको एक दूसरे का यहाँ पे चप्पल पहनना है। मंदिर बंद होने का फायदा हो गया, जहाँ पे इतनी सारी भीड़ थी कम हो चुकी है, अभी आराम से यहाँ पे मैं सारे जगह पे एक्सप्लोर कर सकती हूँ। मंदिर कुछ ऐसा दिख रहा था, अब देखो अभी कैसा दिख रहा है मंदिर क्लोज होने के बाद। और यही वो जगह जहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए खास द्वार की तरफ प्रस्थान करें। राधे राधे। सभी दर्शनार्थियों से निवेदन है कि मंदिर के पास बंद हो चुके हैं, खास द्वार की तरफ प्रस्थान करें। कृष्ण भगवान की कहानी सुने होंगे तो आपने देखा होगा कि मक्खियाँ थी जो कृष्ण भगवान को दूध पिलाई थी, तो उनके साथ उनका क्या हाल हुआ था। और ये मूर्ति आज भी यहाँ पर है। अगर मंदिर के बाहर निकलोगे तो ऐसा क्राउड दिखेगा आपको अगर आप प्रेम मंदिर आते हो वृंदावन के। अभी थोड़ा बहुत मार्केट करेंगे हम यहाँ। प्रेम मंदिर के आसपास आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट एंड ढाबे भी दिखेंगे जहाँ पे बहुत ही अच्छे खाने मिलते हैं। जो आप सिंपल खाना चाहते हैं अपने डिनर में वैसा ही खाना, जैसा मैं प्रेफर करती हूँ सिंपल। और हम लोगों ने वहाँ पे अपना डिनर किया, उसके बाद हम लोगों ने लस्सी पिया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर एंड कीप सब्सक्राइबिंग।